चरणजीत सिंह चन्नी राहुल गांधी के साथ अमरिंदर के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के भी पसंदीदा बताए जा रहे हैं। पंजाब में दो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इस बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास आठवले ने अमरिंदर सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए में शामिल होने का न्योता भी दे दिया है। पंजाब की बदली सियासी तस्वीर से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 पंजाब के नए सरदार। कई दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल चंडीगढ़ में कई दौर की बैठक और कई नामों को लेकर हां ना के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर विधायक दल की बैठक में मुहर लगी। विधायक दल के नेता चुने जाने वाले चन्नी ने कल शाम राज्यपाल से मुलाकात कर विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के सीएम बने चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चन्नी इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और कैप्टन के खिलाफ बगावत करने वाले मंत्रियों में भी शामिल थे। चन्नी 2017 में श्री चमकौर साहिब विधानसभा से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। कल देर शाम तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री की रेस में विजेता बनकर उभरेंगे, लेकिन चन्नी के मुख्यमंत्री चुने जाने की खबर मिलते ही उनके गांव खरड़ में जश्न का दौर शुरू हो गया। परिवार के लोग और समर्थकों ने ढोल नगाड़े पर खूब भांगड़ा किया और एक दूसरे का मुंह मीठा किया। पंजाब में जातीय और सामाजिक संतुलन के साथ सत्ता का संतुलन साधने के लिए कांग्रेस आलाकमान सरकार में दो डिप्टी सीएम बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीएम के रेस से आखिरी मिनट में बाहर होने वाले सिख समाज से आने वाले सुखजिंदर सिंह रंधावा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। रंधावा के साथ हिंदू समाज से ब्रह्म मोहिंद्रा को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के नए मुख्यमंत्री चुने जाने पर ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने चन्नी से कहा कि पंजाब के लोगों से किए गए वादे पूरे करने हैं और उनका विश्वास बनाए रखना है। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने भी चन्नी को बधाई देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप सीमा पार से बढ़ते खतरे से पंजाब को सुरक्षित रखेंगे। पंजाब में अगले साल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की नजर दलित वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी पर दाम लगाकर अकाली दल और बीएसपी के साथ आम आदमी पार्टी की भी सियासी गणित को मात देने की कोशिश की है। पंजाब में 32% से ज्यादा दलित हैं। अकाली दल ने सत्ता आने पर दलित को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर कल दिन भर सस्पेंस का दौर जारी रहा। पहले अंबिका सोनी ने आलाकमान से मिले प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करते हुए किसी सिख समाज से ही सीएम बनाने का सुझाव दिया। इसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम तय होने की बात आई। समर्थकों ने उनके घर पर मिठाइयां भी बांट दी, लेकिन फिर आखिरी मिनट में पासा पलट गया। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चुने गए चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा है कि चन्नी पर साल 2018 में एक महिला आईएएस अधिकारी को अनुचित संदेश भेजने के भी आरोप लगे थे। उस वक्त मामला दब गया था, लेकिन पंजाब महिला आयोग की तरफ से नोटिस भेजे जाने के बाद ये मामला फिर सामने आया था। इमरान खान और पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का करीबी बताकर नवजोत सिंह सिद्धू को देश के लिए खतरा बताने वाले अमरिंदर सिंह के आरोपों के बाद सिद्धू का विरोध होना शुरू हो गया है। जम्मू में डोगरा फ्रंट के लोगों ने सिद्धू के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। इस बीच सिद्धू को देश विरोधी कहने पर उनके सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने अमरिंदर सिंह को हद में रहने की चेतावनी दी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।